पूजा अर्चना करते हुए लोगों की तस्वीरें हमने देखी, व्रत उपवास लोग रखते हैं ताकि हेल्थ के लिहाज से आज के दिन को वो बहुत महत्वपूर्ण बना सकें। और व्रत तो वैसे भी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है आप कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ योग प्राणायाम का रोज़ाना अभ्यास तो ज़रूरी है ही, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की कमी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां दे जाती है। तो स्वामी जी, जो डेली एक्सरसाइज के महत्व को नहीं समझते हैं, एक बार उनको फिर से समझाइए कि ये 40 मिनट का या एक घंटे का सेशन है एक्सरसाइज का, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। मीठी डांट पिलाइए, सब लोग मीठी डांट पिलाइए। भगवान शिव आदि योगी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, हनुमान तो सिद्ध योगी है, महायोगी, आकाश गमन से लेकर के अणिमा लघिमा गरिमा योग की सारी सिद्धियां उनको सिद्ध थी। तो हम योग करते करते रोग से मुक्ति पाने को ही उसी को बड़ा लक्ष्य मान बैठे। अरे भाई, योग से रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। तुम हनुमान जी की तरह स्थूल सूक्ष्म विराट रूप धर सकते हो, आकाश गमन कर सकते हो, आकाश गमन कर पर काया प्रवेश, जैसे हमारे चारों तरफ जल का आप पूरा तालाब देख रहे हो, जल में बिना आलंबन के चल सकते हैं। लो, दूर का देखना, दूर का सुनना, और सूर्य की गति से एक से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को योगी अपने संकल्प से पा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें योग से, योग को देखो अपनाना है। अरे भाई, इतना ज्यादा नहीं करो ना, मना किया था ना। अभी हमने इनको बोला भाई धीरे धीरे बैकग्राउंड में संगीत गाओ, तो ये इतना तेजी से बजाते हैं, इनको मजा आता है तेजी से बजाने में, तो हमने कहा भाई थोड़ा धीरे। स्वामी जी फील में चले जाते हैं। वन मैन आर्मी है स्वामी जी आप। अपने अपने जीवन का संगीत अच्छे से बजे, इसलिए इसको अच्छे से बजाओ। ऐसे वेग पूर्वक ऐसे करना चाहिए, ये तो हमें योगी बनना है। क्या बोला बहनों? हमारे सब पूर्वज क्या थे? योगी थे सब पूर्वज, कोई रोगी नहीं था। हम योगियों की संतान यदि रोगी हो गए तो गड़बड़ है। तो चलो इतना ही कर लो। तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये तो हमारे रोज की दिनचर्या का अंग हो गया है कि ऐसे हमें रोज अपने भीतर ही की एकाग्रता को, भीतर के देवत्व को, शिवत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को, आत्म तत्व को पूरी तरह से उद्बुद्ध करके ऐसे योग करना है। और शिव की भक्ति केवल एक दिन के लिए नहीं, मैं हर दिन कहता हूँ, हर दिन हमारा योगमय हो। क्या बोला? हर दिन हमारा योगमय हो, राममय हो, कृष्णमय हो, हनुमतमय हो, शिवमय हो, आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल के, आत्म साधना से राष्ट्र आराधना के, युग आराधना के हम उपासक हैं। यह हमारी ऐसी यात्रा है, बिंदु से लेकर के सिंधु में सर्वत्र हम उस शिव के अंश को देखते हैं। तो अपने घरों में रोज सुबह उठ करके शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, राम कृष्ण हनुमान की स्तुति, यो गुरुवाणी, वेदवाणी, श्रीमद भगवद गीता, इसका पाठ लगाया करो। किसी घर में तो उठते ही एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। सुबह घर में अच्छे योग के स्वर, वेद के स्वर,
राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के सर उठते रहने चाहिए। तो घर में वेद पाठ होना चाहिए, योग में, यज्ञ में, वेद में, सनातन में वातावरण होना चाहिए, और उसके बीच में फिर योग ऐसे आगे बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था योग धर्म अपना लिया, बटरफ्लाई करो महिलाओं ने, तो मासिक धर्म भी अच्छा हो जाएगा। और महिलाओं के लिए मासिक धर्म गड़बड़ हो तो ट्रेडिशनल में तो दशमूलारिष्ट, और अभी हमारी रिसर्च एंड एविडेंस बेस में नारी कांति वटी और शिरप, दशमूल का काढ़ा भी पी लो और उससे पूरा तन मन चित्त स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरा पावन हो जाता है ऐसे। स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सोने से पहले हमारा आखिरी विचार होगा वही हमारा सुबह उठने के साथ साथ पहला विचार होगा। अच्छे मन से सोएंगे, अच्छी बातों को सोचकर सोएंगे तो सुबह उठेंगे तब भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।